दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वुड कार्विंग टूल्स की जानकारी देना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वुड कार्विंग में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये चीजल सेट है। इसमें अलग अलग प्रकार की चीजल्स रखी गई हैं, जिनकी जो बनावट है वो अलग अलग है। ये देखिए, ऊपर ये जो स्टील वाला हिस्सा है, ये इसलिए लगाया गया है ताकि जैसे ही हथौड़ी से हम हैमर से ऊपर से ठोक मारते हैं तो लकड़ी का हिस्सा कहीं फट के टूल जो है वो फट ना जाए। इसीलिए नीचे भी और ऊपर भी ये स्टील इसमें इसलिए लगाया गया है। और सभी की ये शेप्स अलग अलग है। इसमें मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगा। ये आप देखिए एक बार बनावट इनकी। ये सभी के सभी ये चीजल्स हैं। नेक्स्ट, ये देखिए बनावट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, बहुत ही मजबूत स्टील से, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। नेक्स्ट, ये देखिए शेप अलग अलग शेप्स में अवेलेबल। और ये नेक्स्ट, ये देखिए यहां पर ये एक तिकोने आकार में है नोकदार, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ। क्योंकि टूल जितने ही बढ़िया होंगे काम उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए इसकी जो बनावट है, नीचे से गोलाईदार, यहां पर ये गहराई है। नेक्स्ट, ये देखिए आगे से जो शेप है उसमें ये नोकदार कट लगाया गया है। सभी में बनावट बिल्कुल ही अलग अलग है, अलग अलग एमएम में, अलग अलग साइज में अवेलेबल। ये देखिए ये हर टूल में ये इसमें इसलिए अलग अलग दिखा रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनकी जो असली शेप है वो इस लेदर में अंदर की तरफ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बाकी टूल्स में तो नजर आ ही रहा है। ये देखिए शेप, अलग अलग बनावट के साथ। ये सबसे लास्ट, इसमें आप देख सकते हैं शेप किस तरह से एक लहरदार शेप इसमें यूं गोलाई में दी गई है। तो इस 12 पीसेस कार्विंग चीजल सेट को आपने कंप्लीटली जाना और देखा। अब मैं बाकियों के बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये भी वुड कार्विंग सेट है। ये देखिए वुड कार्विंग सेट, अलग अलग शेप्स में 6 अलग अलग प्रकार की चीजल्स इसमें हैं वुड कार्विंग के लिए। और ये भी अलग अलग प्रकार की चीजल्स हैं। ये देखिए शेप्स सभी की अलग अलग। ये तिकोनी कटावदार शेप में गोलाईदार, ये थोड़ी कम है लेकिन गोलाईदार है। ये सपाट है और पतली है, ये पतली और गोलाईदार, ये चौड़ी और गोलाईदार। ये भी वुड कार्विंग में इस्तेमाल होती है। और ये जो आप अलग से देख रहे हैं, ये 3 चीजल्स, ये देखिए ये भी लकड़ी के काम में हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये पतली है चीजल, ये थोड़े चौड़े मुंह की चीजल है, ये सेफ्टी के लिए लगाया गया है। आगे इसकी जो चौड़ाई है ब्लेड की वो इतनी है, साइड से जो मोटाई है वो इतनी है, बहुत ही कम है और बहुत ही सॉलिड चीजल है, काम करने के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस। और ये देखिए बहुत ही सॉलिड हैंडल के साथ, ये स्क्वायर टाइप में है यहाँ पर, लेकिन आगे से ये इस तरह से नोकदार है,
देखिए किस तरह से कट इसमें दिया गया है। ये चूल वगैरह निकालने में भी काफी काम आती है। और अब सबसे आखिर में मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये जो अलग से 5 पीस रखे गए हैं ये कोल्ड चीजल्स हैं। कोल्ड चीजल्स ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। इनमें पीछे कोई लकड़ी का हैंडल नहीं है, ये पूरी तरह से आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इन्हें हम वुड कार्विंग में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन इनकी मजबूती की वजह से हम इनसे स्टोन कार्विंग भी कर सकते हैं, पत्थर पर भी काम किया जा सकता है इन 5 चीजल्स से। स्टोन कार्विंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही हैवी, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये हथौड़ी यहाँ पर लगाने के लिए और इस हिस्से को यूं यूं पकड़ने के लिए, और फिर हम पीछे से हथौड़ी से काम करते हैं। और इससे हम लकड़ी के ऊपर भी काम कर सकते हैं वुड कार्विंग का, या पत्थर के ऊपर भी काम कर सकते हैं स्टोन कार्विंग का। और ये देखिए ये ऊपर से इस तरह से एक कटावदार है शेप इसकी, और आगे से ये देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार मजबूती के साथ, देखिए एक बहुत ही बढ़िया शेप में। ये नॉर्मल थी, ये थोड़ी बढ़िया है, ब्रांडेड है, आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। दोनों ही बहुत मजबूत है, सॉलिड है। और ये देखिए ये थोड़े छोटे साइज में कोल्ड सीजर पूरी तरह से लोहे से बनी हुई। और इनके आगे के जो ये आप देख रहे हैं ये हिस्सा, इसकी चौड़ाई अलग अलग है सभी में, और ये थोड़ी कम चौड़ाई की है, आगे से देख सकते हैं आप, लगभग 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है कोल्ड सीजर। और ये एक पेंसिल जैसी शेप में आगे से पॉइंट है, इसमें पॉइंट बनता है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने वुड कार्विंग और स्टोन कार्विंग की में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग प्रकार की चीजल्स के बारे में जानकारी हासिल की, अलग अलग प्रकार के चीजल्स के सेट के बारे में जाना। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।